हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो आज हम देख रहे हैं जो सेट नंबर 21, सीपीयू का सेट 21 देखेंगे। दो हज़ार इक्कीस में नेक्स्ट में प्रश्न हुआ था उसका। तो देखिए, पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न टेंस। टेंस मतलब क्या होता है, इसका आपको क्या देना है, एंटोनियम बताना है। तो साथियों देखिए, टेंस मतलब होता है तनाव में, क्या होता है तनाव में, तो इसका एंटोनियम क्या होगा, रिलैक्स्ड। आप कैसा हैं तो रिलैक्स्ड हैं, इसका हो जाएगा क्या चाहिए, टेंस का होता है तनाव में, तो आप रिलैक्स हैं, यानी इसका एंटोनियम ये होगा। क्लोज तो मतलब नज़दीक होता है, स्टिफ मतलब हार्ड, स्ट्रेंड। स्ट्रेंड मीनिंग को हम लोग देख लेंगे बाद में, बाकी सारे बहुत सारे मीनिंग है उसको। तो हमारा पहला प्रश्न का निकल गया आंसर, मतलब फैटिग्यू। फैटिग्यू मतलब होता है टायर्ड, क्या होता है टायर्ड, तो टायर्ड मतलब क्या होता है, थका हुआ। तो इसका वेयरिनेस, वेयरिनेस मतलब क्या होता है, थका। फ्रेशनेस मतलब तो होता है तरोताज़ा, फ्रेश, फ्रेश फ्रूट, तो फ्रेश फ्रूट मतलब तरोताज़ा। अर्नेस्ट लाइवलीनेस में जिंदा दिल, अर्नेस्ट मतलब किसी चीज़ के प्रति आप क्या इच्छुक हो। आगे देख लें, फादर डिड नॉट डिडेंट बिलीव, फादर थी क्या बोल रहे, फादर डिडेंट बिलीव, फादर डिडेंट बिलीव। व्हाट या बीच, हु तो पर्सन के लिए आता है, बीच प्लेस के लिए आता है, डेट नलविंग, लेकिन व्हाट किसके लिए, व्हाट आई सेड मतलब क्या उन्होंने बोले, तो व्हाट द थिंग्स मतलब वही चीज़ जो कहें। तो अगला तो इडियम्स, बेड ऑफ रोसेस मतलब क्या होता है, एंजॉयबल स्टेट, यानी विलासिताओं भरा जिंदगी। पचवा में है, इफ यू, देखिए इफ यू, खाली स्थान, बिल फिनिश, फिनिश, फिनिश्ड, हैव फिनिश, मतलब पांच ऑप्शन दिया हुआ आपको, उसमें से चूज करना। तो इफ यू हैव फिनिश्ड, तो देखिए आगे क्या लिखा है, आई वुड, वुड, और वुड के साथ क्या लगा दिया, वी लगा दिया, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर आएगा इफ यू हैव फिनिश्ड, हैव के साथ क्या आएगा, वी थ्री, क्योंकि इसमें पार्ट में कंडीशनल सेंटेंस है। इफ वाले में क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो आगे वाले में क्या होगा, वुड प्लस वी वन, क्या होगा, वुड प्लस वी वन, ये याद रखिएगा। इफ वाले पार्ट में क्या लगाएं, हैव प्लस वी थ्री, क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो आगे वाले में वुड प्लस वुड वन प्लस वी वन। पाँच नंबर में देखते हैं, पाँच नंबर हमारा पैसेज है जो हमको पढ़कर बनाना है। छः नंबर में देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, मतलब पैसेज के अनुसार कौन सा जो स्टेटमेंट है वह ट्रू नहीं है। तो देखिए, ये 22 सितंबर ये समय था, लेकिन ये पैसे बनाया था इन जुलाई अगस्त, द एक्चुअल रेनफॉल वॉस 25.6 बिलो द लॉन्ग एवरेज पीरियड, बिलो द लॉन्ग पीरियड एवरेज, यही नहीं था। अगला देखते हैं साथ में, व्हाट प्रॉब्लम आर द फार्मर्स ऑफ सीहोर डिस्ट्रिक्ट इन एमपी फेसिंग, तो इसका क्या हो जाएगा, द एक्सेसिव रेन हैज डैमेज द सोयाबीन क्रॉप, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इन वेस्टर्न एमपी वेयर सिहरौली इज सिचुएटेड, व्हाट इज द नॉर्मल एवरेज रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर, तो इसका हो जाएगा 845.3 mm, 845.3 mm। अगला देखना, 10 में बताना, देखिए हैवोक, हैवोक मतलब क्या होता है, क्लैमिची। इनगल्फ मतलब होता है क्या, सबमर्ज करना, इनगल्फ मतलब क्या होता है, सम, परसुएड मतलब क्या होता है, अंडरटेकिंग होना।
यानी हमारा नौवां का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कि बी का क्या हो जाएगा, परस्यूट मतलब अंडरटेकिंग। अगला है, बीच अमंग द फ्लोइंग टुक ऑन 6 एकर ऑफ लैंड फॉर सोयाबीन कल्टीवेशन इन एडिशन टू हिज ओरिजिनल 10 एकर्स ऑफ लैंड। तो गुलाब सिंह, ये पैसेज में आया था कि किसने 6 एकर लैंड है ना सोयाबीन कल्टीवेशन इन एडिशन टू हिज ओरिजिनल 10 एकर्स ऑफ लैंड, तो गुलाब सिंह। अगला देखिए, ऑडियंस कौन सा गलत है, ऑडियंस AUDIENCE, ऑडियंस मतलब क्या था, श्रोतागण, ऑडिबल मतलब सुनने योग्य, ऑथोरिटी मतलब अधिकार, ऑस्ट्रियर मतलब कुछ, ऑस्ट्रियर इसको देख लेंगे, एट द ड्रॉप ऑफ द हैट ये क्या है, इसको आपको ईडियम से उसको क्या करना है, आंसर बताना है, तो इसका मतलब होता है ड्रॉप ऑफ पॉइंट मतलब तुरंत, मतलब इंस्टेंटली, नॉर्मली तो हमेशा होने वाला घटना, यूजली नॉर्मली क्या होता है, हमेशा नॉर्मली होने वाला, फ्रिक्वेंटली मतलब कभी कभी, यूजली नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेंट्रल पार्क टावर हैज जस्ट, हैज के साथ बी3 आया, ये जस्ट इसको क्वालिफाइंग कर रहा, द टॉलेस्ट रेसिडेंटियल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, द व्यू, द व्यू कहाँ से हो रहा है, द व्यू ऑप्शन देखना क्या क्या दिया है, एवब ऊपर है, अप होगा, फ्रॉम ऑन, तो ऑन मतलब पर होता है, तो जैसे बोलते हैं ना टेबल, टेबल है यहाँ पर, यहाँ पर टेबल है, उसके ऊपर बोलते हैं कि कुछ रखा हुआ, तो बोलते ऑन रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, दिस बिल्डिंग, तो फ्रॉम दिस बिल्डिंग आर अमेजिंग, मतलब इस बिल्डिंग से जो व्यू आता है, जो क्या है, अमेजिंग है, मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक है, आर अमेजिंग हो जाएगा, मतलब फ्रॉम होगा। अगला है देखिए, द खालिस्तान ऑफ अपार्टमेंट ऑफ दिस स्काई क्रेपर्स आर, द खालिस्तान अपार्टमेंट, तो 14 में देखना है कौन सा अपार्टमेंट, द प्राइस ऑफ अपार्टमेंट ऑफ दिस स्काई प्रेसर दास स्काई, हाँ तो प्राइसी के बारे में चर्चा चल रहा है यहाँ पर, 14 में क्या हो जाएगा, द प्राइस बोला कि प्राइस है ना अपार्टमेंट्स का, ऑफ दिस स्काई स्काई स्क्रैपर्स आर कितना है, खालिस्तान एस हाई, खालिस्तान एस द एस हाई एस, क्योंकि एस के बाद क्या लगता है, एस हाई एस द स्काई मतलब इतना हाई है, इतना हाई है कि स्काई से भी हाई है, ये बात बताना, द चीपेस्ट अपार्टमेंट, अगला द चीपेस्ट अपार्टमेंट खालिस्तान एट 6.6 मिलियन, तो हमको क्या खोजना है, 16 में खोजना है, द चीपेस्ट अपार्टमेंट, तो स्टार्टेड तो द चीपेस्ट आइटम है जो क्या करता है, यहाँ से स्टार्ट मतलब बोला द चीपेस्ट अपार्टमेंट स्टार्टेड एट ₹6.6 मिलियन एंड द मोस्ट नहीं, यहाँ पर क्या होगा, 16 में स्टार्टेड होगा, स्टार्ट्स हो जाएगा क्योंकि वर्ब प्रेजेंट में है, स्टार्टेड नहीं स्टार्ट्स हो जाएगा, 16 का कौन होगा, सी हो जाएगा, देखिए यहाँ पर द चीपेस्ट अपार्टमेंट, एक अपार्टमेंट होगा स्टार्ट्स, स्टार्टर्स नहीं स्टार्ट्स एट 6.6 मिलियन एंड द मोस्ट खालिस्तान 5 बेडरूम अपार्टमेंट कॉस्ट, तो बोला 5 बेडरूम कॉस्ट का जो अपार्टमेंट का दाम है 63 मिलियन है, तो 17 में क्या होगा, एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव मतलब महंगा, एक्सट्रीम नहीं होगा, इकोनॉमिकल किफ़ायती, एक्सेसिव मतलब अधिक, तो एक्सपेंसिव 5 बेडरूम। आगे देखते हैं 18 नंबर में, देखिए नॉट रिवेलिंग वंस थॉट और फीलिंग रियडली, उसको हम लोग एक वर्ड में बताना, अनेक अर्थ शब्दों का एक वर्ड में, तो उसको बोलते हैं रेटिसेंट, रेटिसेंट मतलब होता है जो आदतन क्या करता, कम बोलता हो, कम्युनिकेटिव मतलब होता है दो की बातचीत होना, इवैल्यूएटिव फोर्थ राइटली तो नहीं होगा,
फोर्थ राइट मतलब क्या होता है, स्पष्टवादी, लूसिड, क्लियर वादी, अस्पष्टवादी। कम्युनिकेटिव मतलब होता है अभिव्यक्ति से संबंधित। इवैल्यूएटिव मतलब क्या होता है, मूल्यांकन करना, क्या करना, इवैल्यूएटिव मतलब मूल्यांकन करना। अगला देखना रिडंडेंट, रिडंडेंट मतलब क्या होता है, 19 में हम देख रहे हैं, रिडंडेंट मतलब होता है फालतू, सुपरफ्लस। तो अननेसेसरी, अननेसेसरी मतलब जो ज़रूरत से जो ज़्यादा हो। अनसुटेबल मतलब होता है उपयोग, जो सूटेबल मतलब क्या होता है, उपयुक्त होना, लेकिन अनसुटेबल हो। अनइंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब क्या होना, रुचि, तो अनइंटरेस्टेड। अनपैरल, पैरल मतलब क्या होता है, दो के बीच में पैरल है लेकिन अनपैरल, दोनों पैरल नहीं है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19 का डी हो जाएगा, अननेसेसरी है। पहले देखिए डिस्क्राइब, डी ई ए सी आर आई, किसी का वर्णन करना, डिज़ायर, डी ई एस आई डिज़ायर। और यहाँ पर क्या है साथियों, डिज़ाइन, डी ई एस आई जी एन होता है, डी ई एस आई जी एन। डिस्पाइस तो ठीक है, डी ई एस पी आई एस ई, डिस्पाइस, डिजाइन, डी ई एस आई जी एन। 21 में देखिए, आप पहले सेट में पिछले सेट में पढ़ा कराएं तो आप नहीं देखेंगे तो देख लिए, अनीता एंजॉयड टू स्विम नहीं, अनीता एंजॉय, एंजॉय के साथ हमेशा क्या आता है, भी फोर आता है, तो टू स्विम नहीं होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीधे हो जाएगा स्विमिंग, क्या होगा, स्विमिंग, एंजॉय के साथ भी फोर लगता। अला बेन, बेन मतलब क्या होता है, अवेट करना, बेन मतलब अवेट, या कर सकते हैं ड्विंडल, ड्विंडल किसको बोलते हैं, जो धीरे धीरे कम हो, धीरे धीरे कम होना, ड्विंडल, अपेट, तो वेट ड्विंडल इन, और धीरे धीरे कम होता, फॉल धीरे धीरे, तो इंक्रीज हो जाएगा इसका एंटोनियम, एंटोनियम पूछा था, तो एंटोनियम क्या हो जाएगा, इन इंक्रीज। अगला मेक ए बी लाइन, बी कैसे चलता है, तो एक लाइन में चलता है, गो स्ट्रेट टू, कैसे चलना, तो गो ए स्ट्रेट टू मतलब सीधी रेखा में चलना। मतलब बी बेयर अराइव्ड एट, बी बी बेन बी अराइव्ड एट झांसी स्टेशन, बी आर, तो यहाँ देखिए बी आर, आर के साथ बी फोर, कीपिंग आवर लगेजेस, लगेजेस का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, तो यहाँ पर लगेजेस, लगेज क्या, एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके लिए हम सिंगुलर नहीं लगाएंगे, तो लगेज होगा, एल यू डबल जी, लगेज मतलब होता है सामान। इन द क्लॉक, इन द क्लॉक रूम। 25 में देखिए, टू लेंथ ऑफ रॉप, 25 में हम लोग देखेंगे, टू लेंथ ऑफ रॉड, रॉप, बम्बू और बोर्ड विथ रग्स यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग, रग्स ऐसे दो को होता है ना बम्बू का, रग्स यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग, उसको क्या बोलते हैं, लैडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लैडर। स्टेयर किस में होता है, तो सीढ़ी होता है जो पत्थर सीमेंट से बनता है। स्टेप मतलब होता है पायदान, ब्रिज मतलब तो समझ रहे हैं, ब्रिज होना, ब्रिज रहता है नदियों के बीच में। आगे 26 नंबर में देखते हैं, यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, तो हैविंट हो जाएगा, क्योंकि हैव यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब, तो इसका क्या बनाएंगे, हैविंट, ये सब्जेक्ट है, यू हो जाएगा। अल्लाह द प्रिपेयर रिटन मटेरियल फॉर पब्लिकेशन बाई करेक्टिंग और मॉडिफाइंग इट, उसको बोलते क्या चाहिए, एडिट, क्या बोलते, एडिट मतलब क्या होता है, जो एडिट किया जाता है छपने से पहले, कुछ जो दस्तावेज है उसको में त्रुटि है, उसको जांचना, हटाना, उसको हटाना। समराइज मतलब तो होता है किसी चीज़ का समराइज करना, भावार्थ निकालना। क्रोप मतलब होता है किसी तस्वीर आदि को छोटा करना, क्रोप करते मोबाइल में आता है। ब्रिज मतलब क्या होना, छोटा करना। ट्रिबल, ट्रिबल मतलब क्या होता है, तुच्छ, नग्न, तो क्या हो जाएगा, ट्रिबल का हम लोग निकालेंगे तो इसका होगा सुपरफिशियल, सुपरफिशियल मतलब होगा छिछला, छिछला या फालतू। वार्म मतलब गर्म जोशी से, मीनिंगफुल, एसेंशियल मतलब अनिवार्य, मैंडेटरी बोल सकते हैं, वाम हो गया ऊर्जावान। अगला 29 नंबर में देख रहे हैं,
ही बेट्स टू यू फॉर अबाउट टू, तो देखिए फॉर टू आवर, तो यानी प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा, तो ही हैज़ बीन बेटिंग, क्या कर रहा था वो, बेटिंग कर रहा था, ही हैज़ बीन बेटिंग फॉर यू, फॉर टू यू नहीं, फॉर यू। तो हमारा जो 29 नंबर है उसका डी नंबर जाएगा, ही हैज़ बीन बेटिंग, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ क्या है, टू आवर दिया हुआ, तो क्या दिया, ये टाइम को दिखा रहा है। हला 30 में एरुडाइट, विद्वत्ता भर, एरुडाइट मतलब क्या था, विद्वत्ता, स्कॉलरी, स्कॉलरी बोल सकते हैं, स्कॉलर विद्वान, हाइब्रो, हाइब्रो बोल सकते हैं, एरुडे हाइब्रो, तो इसका क्या हो जाएगा, इग्नोरेंट, क्या हो जाएगा, इग्नोरेंट, इग्नोरेंट मतलब क्या होता है, अज्ञानी। क्या हो जाएगा इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी, मतलब स्कैंट, स्कैंट मतलब क्या होता है, कमी, इनफ प्रचुर, प्लेंटीफुल, एडोकेट, तो मीगर मतलब क्या होगा, कमी, बाउंटीफुल, प्रचुर। अगला देखिए 32 में देख रहे हैं, गैलरी, गैलरी देखिए GALL, अपना गैलरी में देखिएगा तो GALLERY होता है, गेटी श्री का GAITY, GAITY, गैलेक्सी होता है आकाश गंगा वाला, गैजेट होता है। अगला है ए लिस्ट ऑफ बुक रेफर्ड इन द स्कॉलरी वर्क, इसको बोलते हैं क्या चीज़ बोलते हैं, बिब्लियोग्राफी, क्या बोलते हैं, बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोफाइल तो होता है, बिब्लियोफाइल, फाइल मतलब क्या होता है, प्रेम करने वाला फाइल, तो जो पुस्तकों से प्रेम करता है। कैलीग्राफी मतलब होता है, कैलीग्राफी मतलब सुंदर लेखन, लेखन, ग्राफी, होलोग्राफी मतलब त्रियामी लोगो बनाने की कला, उसको बोलते हैं त्रियामी लोगो बनाने। बाइब्लियोग्राफी तो बता दिए अभी, किसी पुस्तक ले किसी लेखन में वर्णित पुस्तकों की सूची जिस जिन जिनसे उदाहरण किए गए हैं। अब बिब्लियोफाइल मतलब पुस्तक या पठन पाठन को पसंद करने वाला, बिब्लियोफाइल, तो यहाँ हो जाएगा क्या चीज़, 33 का एक नंबर हो जाएगा। 34 में देखते हैं, आई नो द गर्ल मतलब मैं उस लड़की को जानता हूँ जो सेल द फ्लावर ऑन द पेमेंट, ऑन द पेमेंट, तो 34 में हमारा क्या हो जाएगा, आई नो द गर्ल हु सेल्स फ्लावर, हु सेल्स फ्लावर, तो वहाँ पर देखिए 34 में विवाद हो जाता है कि देखिए आई नो, आई के साथ भी वन, नो द गर्ल हु मतलब जो पार्टिकुलर गर्ल के बारे में बोल रहा है, पर्सन हु सेल फ्लावर्स ऑन द पेमेंट, और या तो व्हाट भी आ जाएगा, आई नो द गर्ल व्हाट सेल्स फ्लावर्स ऑन द पेमेंट, तो आई नो द गर्ल व्हाट सेल्स फ्लावर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये विवादित है, इसलिए इसको दोनों भी रख सकते हैं। हमारा 34 नंबर क्वेश्चन में क्या था, ऑप्शन ए और डी, ऑप्शन ए और डी भी हो सकता है, तो इसको रहने देते हैं। 35 में देखिए, विथ फूड ग्रैनरीज ओवरफ्लोइंग, फूड ग्रैनरीज क्या हो गया, ओवरफ्लोइंग हो गया, तो गवर्नमेंट इज लुकिंग, इज प्लस बी फॉर लुकिंग टू लिक्विडेट हिज ग्रेन, तो गवर्नमेंट इज लुकिंग हिज, गवर्नमेंट हिज किसके लिए, गवर्नमेंट क्या है, मिल है नहीं, वे इट्स हो जाएगा, इट्स ग्रेन, गवर्नमेंट इज लुकिंग इट्स ग्रेन स्टॉक टू प्रिवेंट डैमेज, तो हमारा हिस वाला जो पार्ट है इसमें, इसमें पार्ट है, तो ये क्या है, गलत है। अगला कंप्लेसेंट मतलब होता है आत्मसंतुष्ट, तो स्मग मतलब क्या होता है, आत्मसंतुष्ट, एमिकेबल मतलब क्या होता है, फ्रेंडली, एग्रेसिव मतलब क्या होता है, हिंसक, डिस्काउंटेड देख लो, टिल द कॉक कम्स होम मतलब बहुत लंबा समय, टिल द कॉक फॉर ए लॉन्ग और लॉन्ग लॉन्ग टाइम,
38 में देखिए, ऑफ बेट मतलब होता है परंपरा या लीक से हटकर चलना, परंपरा या लीक से हटकर चलना, उसको बोलते हैं क्या, ऑफ बेट। तो कन्वेंशनल मतलब होता है परंपरा, तो हमको क्या करना है, साइनोनियम चुनना है। तो देखिए जो ऑफ बेट होता है जो परंपरा या लीक से हटकर चलता है, तो जो परंपरा से चलेगा वही हमारा क्या होगा, एंटोनियम हो जाएगा। अलग फ्यूटाइल, फ्यूटाइल मतलब क्या होता है, निरर्थक। बर्थलेस, बैरन मतलब होता है बंजर। हैलो मतलब क्या होता है, खोखला। तो बर्थलेस मतलब बेकार, तो प्रोडक्टिव हो जाएगा। अलग खालिस्तान, देयर वेयर नो बसेस, बी हैड टू टेक ए टैक्सी। खालिस्तान, देयर वेयर नो बसेस, बी। तो हमारा 40 नंबर में क्या करना है, बी हैड टू टेक ऑल्दो देयर, ऑल्दो हालांकि, देयर वेयर नो बसेस, नहीं सिंस या बिकॉज लगेंगे, सिंस या बिकॉज, कारण बता रहा है, बिकॉज बिकॉज देयर वेयर नो बसेस, तो बी हैड टू टेक टैक्सी, मतलब जब बस नहीं था तब हम टैक्सी लिए, या तो सिंस लगाएंगे, हैंस नहीं, इस प्रकार, इवन इफ इसके बावजूद नहीं। टच एंड गो, परिणाम को लेकर अनिश्चितता की, अनिश्चित की स्थिति। टच एंड गो मतलब अनडाउट, अनसर्टेन, अनसर्टेन। 41 का क्या हो जाएगा, 41 का डी हो जाएगा, जो अनसर्टेन परिणाम को लेकर क्या हो, निश्चित नहीं हो। आफ्टर 2 months, हमारा 43 नंबर प्रश्न में देखिए, तैतालीस नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या गलती है। आफ्टर 2 months, दो आया तो मंथ्स आया, द फोन सिग्नल्स। 42 में देख रहे हैं, द फोन सिग्नल्स बेयर, द फोन सिग्नल्स बेयर बैक एट द वैली। तो 43 में क्या गलत है, 42 में एट द वैली नहीं होगा, इन द वैली। एट मतलब पर होता है किसी पर, पर, इन द वैली, द फोन सिग्नल इन द वैली, वैली में मतलब घाटी में, घाटी में बोलते हैं। द बॉय वॉज लीनिंग अगेंस्ट द पिलर। खालिस्तान हिज हैंड, खालिस्तान हिज पॉकेट। तो इसमें सूटेबल वर्ड भरना है। द बॉय वॉज लीनिंग अगेंस्ट द पिलर विथ हिज हैंड। तो देखिए लीन विथ हिज हैंड, तो विथ हिज हैंड हो जाएगा, विथ हिज हैंड इन हिज पॉकेट, मतलब उसके पॉकेट में थे। तो 43 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कि द बाय बॉय वॉज लीनिंग मतलब लीनिंग अगेंस्ट समथिंग होता है, लीनिंग अगेंस्ट किसी चीज़ के पर झुक कर खड़े रहना। तो अगेंस्ट द पिलर विथ हिज हैंड, अपने हाथ से। 44 में देखिए, हिंड्रेंस, HINDERANCE, भंडस मतलब बाधा होता है, कोर्स मतलब रफ, ह्यूमर मतलब मजाक, क्या होमेज मतलब शानदार। द मदर इज स्लेप्ट वाइल द चाइल्ड वॉज प्लेइंग, प्लेइंग। तो इसमें एरर पार्ट ढूंढना है। यहाँ देखिए, द मदर वॉज अस्लीप, मदर वॉज अस्लीप, अस्लीप यानी ऑप्शन नंबर डी, अस्लीप मतलब सोना, या वाइल द चाइल्ड वॉज प्लेइंग, अस्लीप हो सकता है, या तो क्या लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, वॉज स्लीपिंग, द मदर वॉज स्लीपिंग, मदर के लिए क्या आएगा, वॉज ही आएगा, वॉज स्लीपिंग वाइल द चाइल्ड वॉज, क्योंकि यहाँ पर देखिए वाइल के बाद ये द प्लेइंग था ना, तो यहाँ पर लिखेंगे द मदर वॉज स्लीपिंग। टू स्पेंड विंटर इन ए डोरमेंट स्टेट, उसको बोलते हैं क्या चीज़ बोलते हैं, हाइबरनेट, हाइबरनेट होता है, होस्ट मतलब होता है ऊपर उठाना, फहराना, होस्ट किया जाता है, फहराया जाता है। कॉन्क्लेवेंस मतलब होता है CONCAL,
मतलब कि बीमारी के बाद ठीक होता है उसको बोलते हैं। कन्नोट मतलब था किसी चीज़ का अपराध अर्थ निकालना, किसी चीज़ का अपरोक्ष अर्थ होना। ये तो बोले स्वास्थ्य के बाद जो बीमारी ठीक होता है उसको बोलते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड खोजना है तो ECNTRICITY, इसेंडिंग में होता सन की, एचलोन इकोनॉमिक की फायती एक्लिप्स दस, समझ गए। आगे देखिए द एप्पल, दिस एप्पल तो भर प्लूरल है तो इसलिए क्या आएगा, कोस्ट आएगा। केवल क्यों कोस्ट आएगा, क्योंकि यहाँ क्या है साथियों, एप्पल्स है तो कोस्ट हो जाएगा 100 रुपये पर केजी। डू यू थिंक दे आर एक्सपेंसिव। अगला द 49 में देखिए, द लेटर वॉज पोस्टिंग यस्टरडे बाई माई मदर। द लेटर वॉज पोस्टेड, पोस्टिंग नहीं होगा वॉज पोस्टिंग, पोस्टेड पैसिव में जाएगा। अगला सौरभ गांगली, गांगली तो सौरभ गांगली की तो हैव नहीं, हैस आ जाएगा, पहला में गलत है। अब कुछ हम बर्ड मीनिंग जो दे रहे हैं जो आप याद रखिएगा। यदि पूछे आपसे स्टीव, स्टीव मतलब होता है अकड़ा हुआ, क्या होना अकड़ा हुआ। स्ट्रेंड का बोले, स्ट्रेन मतलब क्या होता है तनाव। अगला बोले लाइवनेस मतलब ऊर्जा, एंथुसियाज्म, विगर, उत्सुक। अगला अर्नेस्ट ने इसका मतलब क्या होता है तत्परता। अगला परप्लेक्सिटी मतलब उलझन, परप्लेक्स परेशानी, व्याग्रता। अगला इनगल्फ इसका मतलब होता है पूरी तरह ढकना। टेक ए वाइल्ड शॉट एट मतलब होता है अनुमान लगाना। अगला लाइकली मतलब होता है संभावित। आगे बता यील्ड, यील्ड मतलब होता है उपज। अगला इंड्यूस मतलब होता है बर्बाद में, ठीक है। बेरी WRY, बेरी मतलब होता है व्यंगपूर्ण। लैस मतलब होता है जोर से टकराना। अगला स्टेयर इन द फेस मतलब स्पष्ट रूप से सामने लाना। अगला सोलेस मतलब रहा संतुष्टि, रेस्पाइस। सोलेस मतलब राहत, संतुष्टि, रेस्पाइट। मतलब परसुएट मतलब काम या उद्यम। अला बेड थ्रू मतलब क्या होता है, पानी पानी में कठिनाई से चल पाना। बेड थ्रू मतलब,
स्प्राइटली मतलब था जिंदा दिल, ठीक है। अगला ऑक्टोजेनेरियन मतलब तो 80 साल के, हैवोक मतलब क्या होता है विनाश, बॉपिंग मतलब बहुत अधिक, मतलब टेक वन स्टॉल मतलब बुरा प्रभाव डालना, ठीक है। मतलब बुल्क मतलब बड़ा हिस्सा, बल्क मतलब बड़ा, अकाउंट फॉर मतलब किसी चीज़ का हिस्सा होना, रॉट मतलब सड़ना। अगला बता, अगला लिखते हैं ऑस्टियर, ऑस्टियर मतलब सादगी और संपन्न भरा, ऑस्टियर मतलब सादगी और संयम भरा, सॉरी। अमेजिंग मतलब शानदार, स्काइस स्काई स्क्रैपर मतलब ऊंची बिल्डिंग, इकोनॉमिकल मतलब किफ़ायती, अनपरल मतलब अतुलनीय, डिस्पाइस मतलब घृणा करना, फीवर मतलब क्या होता है मुक्त का उपहार, एसेंशियल लिखिएगा जरूरी है, सैवी मतलब जिससे किसी चीज़ को कम करने के तरीके की जानकारी हो उसको बोलते हैं सैवी लिखिएगा, गैची मतलब आनंद होता है, आनंद डिलाइट उल्लास, एमिकेबल मतलब फ्रेंडली, डिस्कॉन्टेंट मतलब असंतुष्ट, एग्रेसिव मतलब उग्र आक्रामक, वियर्ड मतलब अजीबो गरीब, फ्रियकी मतलब क्या होता है विचित्र, विचित्र बोल सकते हैं, डरावना, हॉलो मतलब खोखला, बैरे मतलब बंजर, बर्थलेस मतलब महत्वहीन, होमेज मतलब श्रद्धांजलि, ह्यूमर मतलब मजाक, हॉर्स मतलब फटी आवाज वाला, एक्लिप्स मतलब ग्रहण, एचलोन मतलब विभाग, विभाग बोल सकते हैं अस्तर बोल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना था, ये सेट था, अगला सेट को फिर से डिस्कशन करेंगे।